नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे आज की इस वीडियो में जो यूनिवर्सिटी व कॉलेज के जो छात्र हैं उनके लिए जो आज की अभी की लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है उसके बारे में। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को 2 से 3 अपडेट जो छात्रों के लिए आई हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी से वो हम आपको बताने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। चले बिना देरी के हम बढ़ते हैं पहली अपडेट की ओर। आप सभी को बता दूं कि डे बाई जो भी अपडेट आती है हम आप तक ज़रूर प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आप सभी कमेंट करते हैं कि सर हमारी यूनिवर्सिटी से कोई अपडेट आएगा तो प्रोवाइड करिएगा, तो सेम वैसे शेड्यूल चलता है, हम अपडेट आप तक प्रोवाइड करते हैं। आप भी अपनी यूनिवर्सिटी का नाम कोड में लिखिएगा, ठीक है। पहली जो अपडेट है उसके बारे में देख लेते हैं। आप सभी को मालूम परीक्षाएँ होने के बाद प्रमोट होने के बाद छात्रों के समय जो हैं वो इस समय प्रवेश परीक्षाओं के लेकर आवेदन किए जा रहे हैं। तो एक और यूनिवर्सिटी, जैसा कि मैंने कई यूनिवर्सिटीज़ की अपडेट दे दिया है प्रवेश परीक्षा को लेकर, जैसे कि एग्जांपल के दिल्ली यूनिवर्सिटी, ओके। दूसरी मैंने आप सभी को इन्फॉर्मेशन किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी की, यानी कि DU वही हो गया, ठीक है। और मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन किया था एक और यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है लखनऊ यूनिवर्सिटी, ओके। और मैंने आप लोगों को एक यूनिवर्सिटी और इन्फॉर्मेशन किया था कानपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसी तरह डे बाय जो यूनिवर्सिटी अपडेट देती है हम आप तक प्रोवाइड करते हैं। और ये आज जो अपडेट आ रही है वो DDU की तरफ से आ रही है, यानी कि दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी की ओर से। इसमें लिखा है कि UG और PG में एडमिशन के लिए परीक्षा 26 अगस्त से, ठीक है। तो आप लोग जल्द से जल्द जाके यूनिवर्सिटी में एडमिशन, यानी कि आप अपनी प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन कर दीजिए। इसमें लिखा है कि 40 अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों ने किया आवेदन विश्वविद्यालय में सत्र 2021-22 में प्रवेश के लिए। देश विदेश से विद्यार्थी ने रुचि दिखाई है। 31 राज्यों से अभ्यर्थियों ने प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन किया है, जबकि नेपाल थाईलैंड से कुल 40 अंतर्राष्ट्रीय अभ्यर्थी ने पंजीकरण कराया। तो आप लोग देख लीजिए, देश के ही नहीं बल्कि विदेश के भी छात्र एडमिशन लेना स्टार्ट कर दें तो आप लोग ज़रा सा देर मत करिएगा, अदरवाइज लेट पेमेंट फ़ीस भी पड़ सकती है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी को कॉन्टेक्ट करिए, जानकारी करिए और अपनी एडमिशन जाके कराइए, ठीक है, प्रवेश परीक्षा के लिए। बात करते हैं हम अब अगली जो अपडेट आई उसके बारे में, ठीक है। तो अगली जो अपडेट आई है कुछ दिन पहले, यानी कि 3-4 दिन पहले मैं वीडियो बनाई थी कोटा यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए कि हाँ कोटा यूनिवर्सिटी के छात्र उनकी जो परीक्षाएं वो इस डेट से आयोजित की जाएंगी। उसमें कुछ अपडेट्स हुआ है, वही मैं आपको बता दूं कि अपडेट क्या हुआ आपको जानना बहुत ही ज़रूरी। इसमें लिखा है कि आवश्यक सूचना विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जा रही स्नातक भाग तृतीय की दिनांक 20/8/2021 से आयोजित की जाने वाली समस्त परीक्षाएं मुहर्रम का अवकाश घोषित किए जाने के कारण स्थगित की जाती हैं। स्थगित की जा रही परीक्षाओं को संशोधित परीक्षा समय सारणी टाइम टेबल पृथक के विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा या फिर उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो इसमें कुल मिला के मतलब ये है कि जो कोटा यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं उनकी जो परीक्षाएँ 20 अगस्त तक कंडक्ट कराई जानी थी वो पोस्टपोन्ड कर दी गई हैं अवकाश यानी मुहर्रम की वजह से, और जो उसका अपडेट टाइम टेबल वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएगा दोस्तों। और मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि धीरे धीरे अब बहुत सारे छात्र कमेंट कर रहे हैं कि प्रमोट वाले का रिजल्ट कब आएगा, फिर जो सेकेंड ईयर वाले थर्ड ईयर वाले जिनकी परीक्षाएं उनकी रिजल्ट का आएगा। तो दोस्तों चिंता मत करिए, जैसे भी रिजल्ट की कोई भी अनाउंसमेंट होगी हम आप तक सबसे पहले इन्फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। फिलहाल जैसे भी कोई अपडेट आएगी हम आप तक प्रोवाइड कर देंगे। आप चैनल से हमारे जुड़ सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।